स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत? तो ये देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी, तो nth टर्म ऑफ एन एपी का देखिए फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला देखिए कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको कैसे आया है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म जो होती है, देखिए कैसे डिड्यूस करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म जो होती है ए, फर्स्ट ए वन से डिनोट करते हैं उसको, वो किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? उसको ए से, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं हम एपी में, और कॉमन डिफरेंस को किससे करते हैं डिनोट? डी, डी से, ठीक है। तो पहली टर्म अगर पता हो, कॉमन डिफरेंस आपको पता हो, तो पूरी की पूरी एपी आप बना सकते हो, आपको सिर्फ दो चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए सेकंड टर्म क्या आएगी आपकी? ए प्लस डी, ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा देखिए आपका? ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ठीक है। ये जो ए प्लस डी है इसको मैं ए प्लस वन डी लिख सकता हूँ, ए प्लस फोर डी को क्या लिख सकते हैं देखिए? ए प्लस थ्री डी, ठीक है। डी डी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ए प्लस फाइव डी को ए प्लस फोर डी। तो यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे देखिए फाइव है, यहाँ पे जब फाइव है तो यहाँ पे फोर आ रहा है, यहाँ पे जब फोर आ रहा है तो इधर देखिए इधर थ्री आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर जो है बस माइनस हो रहा है। ये ऐसे अगर यहाँ पे एन लेता हूँ तो ये देखिए क्या हो रहा है, एन माइनस वन डी हो रहा है, ठीक है। उसी से ये देखिए फॉर्मूला आ गया है nth टर्म ऑफ ए पी का, ठीक है। तो इसमें nth टर्म निकालेंगे, यानी अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको दिया हुआ है a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3, तो आपसे मैं पूछता हूँ ये जो ए पी बनाएगा, ये जैसे देखिए ये वाली ए पी बनेगी, इससे ए पी जो बनाएगा इसमें मेरे को 20वीं टर्म बताइए, 20th टर्म क्या होगी? 20th टर्म क्या होगी? चुपचाप आप क्या करोगे इसमें देखिए फॉर्मूला लगा दोगे, ए 20 निकालना है, ये हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, एन की जगह 20 कर दो, 20 माइनस वन डी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है हमारी 5, 20 माइनस वन और डी है हमारा 3, तो बताओ क्या आंसर आएगा, 20th टर्म क्या आएगी? 20th टर्म क्या आएगा? 5 प्लस 57, ठीक है। 19 3 57 प्लस 5 कितना आएगा? 62, यानी 62। जब ए पी चलते चले जाएंगे आगे जाके 6 नंबर आएगा 62, ठीक है। वो 20वीं टर्म होंगे, 20th टर्म होंगे, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ए एन को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है, ए एन को हम जनरल टर्म भी कहते हैं। अगर देखिए आपने पढ़ा था एक फाइनाइट एपी होती है, फाइनाइट एपी होती है ना, फाइनाइट एपी क्या होती है, व्हाट इज अ फाइनाइट एपी? जो एक पॉइंट पर जाके रुक जाती है, रुक जाती है, दैट टर्म इज कॉल्ड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आखिरी टर्म, उसको हम डिनोट कर देते हैं एल से, ठीक है। लास्ट टर्म है उसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। और इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है क्या? इनफाइनाइट एपी में, ठीक है, चलती चली जाती है भाई, इसका कोई अंत ही नहीं होता, तो लास्ट टर्म कोई होगी ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वही यही कह रहे हैं, लास्ट टर्म इज समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय एल, तो वी डिनोट लास्ट टर्म बाय एल। देखिए यहाँ पे 5.2 है, आपके पास तीन चीज़ें दी हुई, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है ए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जब भी इसमें देखिए कुछ कुछ भी करना हो तो आपको कम से कम तीन चीज़ें देखिए पता होनी चाहिए ए, ठीक है। जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना हो, यहाँ पे देखो चार चीज़ें होती हैं जिसकी वैल्यू आपको, देखिए ए एन है, ए है, एन होता है, डी होता है, इन चारों में से आपको तीन चीज़ों के बारे में हमेशा पता होगा, तभी आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है, ए डी एन और ए एन में से तीन चीज़ें, सब में देखिए तीन चीज़ें दी हुई हैं और एक चीज़ खाली छोड़ रखी है, तो बस आपको फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए पहला जो सवाल है, देखिए इसमें 7 3 8 और ए एन नहीं दिया हुआ, यानी ए एन की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ मेरे को, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है ए एन का? ए एन
एन इज एन इक्वल इज टू इक्वल एन टू मल्टी ए ए प्लस प्लस एन एन माइनस माइनस वन वन डी 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 ठीक है, तो पहले वाले सवाल में देखो आपको ए क्या दिया हुआ है। सेवन 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 सेवन। एन दिया हुआ है आपको एट, ठीक है, एट माइनस वन। एट और डी क्या दिया माइनस हुआ थ्री है? थ्री थ्री दिया हुआ है। तो ये देखो बस सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा नाइन थ्री जा 27 ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 27, 27 प्लस सेवन 27 होगा ना सर। 34 बोलो। अरे सॉरी सेवन आएगा, मैंने 9 लिख दिया, सर गलत। यहाँ पे सेवन आएगा, 7 3 21 ठीक है, 21 और 28 आ गया ठीक है। तो ये आपका ए एन आ गया, ए एन ठीक है। ये क्या निकाला हमने, ए एट निकाला था। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 28 ठीक है। उसी तरह देखिए अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे अगले वाले सवाल में देखिए क्या ए दे रखा है, डी नहीं दिया हुआ, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूले में आपको कम से कम तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। ये याद रखना हमेशा, तीन चीज़ें दी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें क्या दिया हुआ है, जीरो जीरो। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस थ्री। एन माइनस वन क्या दिया, एन एन क्या दिया हुआ है, टेन। टेन माइनस वन। डी हमें नहीं पता, डी हमें नहीं पता क्या होता है। तो ये देखिए माइनस 18 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 प्लस 18 जीरो प्लस 18 हो जाएगा। जीरो प्लस 18 कितना होता है, ओम ओम भरते कितना होता है, जीरो प्लस 18 ओम भरते जीरो प्लस 18 कितना होता है, ओम भरते। आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ बेटा आपकी आवाज आप दिख नहीं रहे हो। ओम भरते, ओम भरते लगता चला गया। तो ये देखिए 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 90 ठीक है। तो दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे, किसे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 2 2 2 9 से। अरे सॉल्व तो करोगे इसको पहले, ये देखिए 9 2 जा 18 तो 2 इक्वल्स टू डी, यानी डी की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका आंसर आएगा 2 तो ये डी की आगे वैल्यू 2 ठीक है। ऐसे ही देखिए थर्ड वाला भी होगा, थर्ड वाले में ए आपको नहीं दिया हुआ, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके आप सवाल कर सकते हो ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको कम से कम तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हो मिसिंग वाले की। अगर कोई दो चीज़ मिसिंग हो गई तब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तो बाकी सवाल आप खुद करिए। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द 30th टर्म ऑफ दिस एपी। यहाँ पे आपको एपी दे रखी है बच्चों, तो उसकी 30वीं टर्म पूछ रहा है, 30वीं टर्म क्या होगी। तो एपी देगी आपको दी हुई है 10 7 4 एंड सो ऑन, आगे चलता चला जा रहा है। यानी ये है आपका ए वन, ये है आपका ए टू और ये क्या है ए थ्री है आपका। तो जल्दी से बताओ A3. ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई, फर्स्ट टर्म क्या है। ए वन को हम ए भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है, ए वन को हम ए लिख देते हैं, ए वन कहना है। डी है देखिए, ए टू माइनस ए वन होगा तो डी की वैल्यू क्या आएगी, सेवन माइनस टेन करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगी ठीक है। डी की वैल्यू माइनस थ्री आ गई, ए की वैल्यू टेन आ गई और हमें एनथ टर्म, एनथ टर्म में एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 30 दी हुई है 30 ठीक है। देखिए तीन चीज़ हमें पता लगी, हमें हमेशा तीन चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हमें nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ए एन प्लस एन माइनस वन डी ठीक है। तो ए एन क्या है हमें नहीं पता, n की वैल्यू 30 है पुट कर दोगे, 10 की वैल्यू ये आ गई, n क्या है 30, 30 माइनस वन और d की वैल्यू क्या है माइनस थ्री ठीक है। तो ये देखिए 10 हो जाएगा, बॉर्ड मास का रूल लगेगा, बॉर्ड मास का रूल क्या होता है बच्चों, बॉर्ड मास क्या होता है, बॉर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एडिशन ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा तो हमेशा इसी को फॉलो करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, 30 माइनस 1 क्या आएगा, ये
29, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और एडिशन, यानी मल्टीप्लाई और एडिशन में से पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 29 माइनस वो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 87, ठीक है। 10 माइनस 87 क्या आएगा? माइनस 77 होना चाहिए, ठीक है। तो ए 30 की वैल्यू आ गई माइनस 77, तो माइनस 77 ऑप्शन में है क्या? सेकंड सवाल देखिए, 11th टर्म ऑफ एन एपी इज बोल रहा है, तो आपके सामने एपी दी हुई है, देखिए माइनस 3 माइनस 1/2 एंड सो ऑन। देखिए पहली टर्म आपको दी हुई है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो देखिए पहली टर्म आपको दी हुई है क्या? माइनस थ्री, ठीक है। ए वन को हम ए भी लिख देते हैं, ठीक है, ए वन को हम ए भी लिख देते हैं, और डी देखिए क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है, तो ए टू माइनस यानी माइनस हाफ माइनस माइनस थ्री, तो डी क्या आएगा? ये देखिए हाफ हाफ ही माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री में से आपने आधा घटाया तो ढाई, टू एंड हाफ आ जाता है, प्लस थ्री में से आपने आधा कम कर दिया, ठीक है। 3 किलो में से आधा किलो कम कर दोगे तो आपके पास 2.5 किलो बचेगा, है ना, ऐसे समझो उसको। yes, 3 किलो चावल है, उसमें से आपने आधा किलो चावल कम कर दिया तो 2.5 किलो चावल बचेगा, राइट। तो ये डी आ गया आपका, ठीक है, ये ए आ गया, ठीक है। 3 चीज़ें हमें पता नहीं, तो क्या चीज़ हमें अगली क्या पता है, क्या दिया हुआ है सवाल? ए एन दिया हुआ है, हमें ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है? 11, ए एन दिया हुआ है 11, सर सिर्फ एन दिया है, एन दिया हुआ है, पहले इसको देखो, 11th टर्म बोली गई है, यानी एन की वैल्यू 11, ठीक है, एन की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 3, बस इसको आपको पुट करना है, यानी ए 11 निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू है माइनस 3, एन की वैल्यू है 11, डी की वैल्यू क्या देगी, देखिए 2.5 भी लिख सकते हो उसको आप, ठीक है, 2.5, तो ये देखिए आ जाएगा माइनस 3, 11 माइनस 1 कितना होता है, 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2.5 क्या होगा, 25 माइनस 3 22, ठीक है। 11th टर्म जो आएगी इसकी 22 आएगी, ऑप्शन में 22 है क्या? यस सर, बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए पहले दिया हुआ है कि दीज आर फॉलोइंग एपीज। अच्छा बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, याद रखना ये रिजल्ट ओलंपियाड में बहुत काम में आता है, ओलंपियाड में हमेशा बहुत काम में आएगा। मान लो कोई सी भी आपको एपी दे रखी है, कोई सी भी एपी दे रखी, मान लो ये है A1 A2, A3, A4, A5, याद रखना, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होती है बच्चों, ये इन दोनों का एवरेज होती है हमेशा, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज होती है। समझ में आ रही है बात, दोबारा बताऊं? देखो बता, जो बीच वाली वैल्यू होती है ये हमेशा इन दोनों का एवरेज होगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू होगी A3, ठीक है, जो A3 वैल्यू होगी कि इन दोनों का एवरेज होगी, इन दोनों का A2 और A4 का एवरेज होगी, यानी A3 की जो वैल्यू होगी वो होगी A2 प्लस A4 अपॉन 2, हमेशा इन दोनों का एवरेज होगी, ठीक है, अरिथमेटिक मीन कह देते हैं इसको। सिमिलरली जो A2 होगा वो किसका एवरेज होगा? A1 और A3 का एवरेज होगा, ठीक है। ये देखिए कोई बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है, जादू नहीं है, ये सिंपल चीज़ है। देखो A2 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए A1 को मानते हैं हम A2 होता है A+D, A3 क्या होता है A+2D होता है ना? Yes, sir. है ना, तो उसी से ये फॉर्मूला है। देखिए इसको अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दो A2, ठीक है,
राइट हैंड साइड अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो ये देखिए ए वन की वैल्यू ए होती है, ए थ्री की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस टू डी होती है। इसको अगर आप टू से डिवाइड कर देते हो, ये देखिए न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, न्यूमरेटर में क्या आएगा इसके, टू 2a+2d। ए प्लस टू डी अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऊपर टर्म में देखिए टू है तो मैं टू को बाहर निकाल लूंगा, ये ए प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आ गया, ए प्लस डी आ जाता है। और ए प्लस डी किसको डिनोट करता है, यहाँ ऊपर देखो ए प्लस डी किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड टर्म ए टू को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। तो इतना बस याद रखो, मिडल वाली जो टर्म होगी वो दोनों साइड वाली टर्म्स का एवरेज होगी। तो उसी से सवाल देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो जरा बताओ ये बीच वाली वैल्यू क्या आएगी, फटाफट ऐसी शॉर्टकट से बताओ जरा क्या आएगा। मिसिंग टर्म बोल रहा है उसने, बाकी और कुछ नहीं बोला, ये करना है वो करना है फला करना है, बताओ। 14 आपने क्या किया, देखिए मैंने आपको अभी आपको बोला एवरेज निकालना है आपको, तो 26+2 का एवरेज आ जाएगा 28/2 और ये क्या आ जाएगा 14। ये वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 14 आ जाएगी। आप देखिए प्रॉपरली इसको कैसे करना होता है। ठीक है, इसको ठीक है, आपका ए दिया हुआ है 2, डी आपको नहीं दिया हुआ, डी को डी मान लो। ठीक है, और थर्ड टर्म आपको क्या दी हुई है 26। तो पहली टर्म 2 होगी, दूसरी टर्म क्या होगी 2+d हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 2+2d हो जाएगी, है ना, है ना। तो ये देखिए पहली टर्म आपको 2d। ठीक है, अब बस चुपचाप देखिए a3 आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपको क्या दी हुई है 26 के बराबर। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो क्या आएगा, 26-2=2d हो जाएगा, 24=2d। तो d की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 12। d की वैल्यू आ जाएगी 12। जब d की वैल्यू 12 आएगी, a की वैल्यू 2 है, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 14। 12+2 14 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मेथड थोड़ा लंबा होता है, पेपर में ऐसे करोगे टाइम जाता है। ठीक है, ये मेथड देखिए थोड़ा सा छोटा होता है जो इससे पहले बताया था। तो फटाफट मेरे को ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, एवरेज वाले मेथड से करके बताओ पहले तो। 8 मैंने आपको क्या बोला, एवरेज निकालना होता है। ठीक है, इस सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकालना होता है। 13+3/2 13+3/2 क्या आएगा 16/2। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, अब देखिए आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसको आप मान लो a। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, आपको पता है a और 8 का अगर आप एवरेज करते हो तो 13 आंसर आएगा। बस ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ए प्लस एट ए 13 × 2, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। A इक्वल्स टू देखिए 13 × 2=26, 26 − 8, a की वैल्यू 18 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये ऐसे देखिए शॉर्टकट में आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी 18। अच्छा, यहाँ पे डी क्या हो, डिफरेंस क्या हुआ, -5 होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए हमको यहीं से पता लग जाता डी क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे -5 आ गई। तो यानी अगर 13 में आप +5 और कर दोगे तो 18 आ जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आई बात। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, अच्छा अब ये अगला सवाल देखते हैं, ये कैसे करेंगे। अब पहली वैल्यू दी हुई है 5, दूसरी वैल्यू ये रखी है 9.5, बीच की दो वैल्यूज हमें नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें गायब हैं, ये भी गायब है, यानी टर्म भी गायब है, ये भी टर्म भी गायब है। ठीक है, तो एवरेज फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा इसमें बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले में देखिए कैसे करेंगे,
चुपचाप लिख दो 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 वैल्यूज दी हुई है। पहली टर्म यानी ए क्या दिया हुआ है आपको, फाइव दिया हुआ है। फोर्थ टर्म आपको क्या दी हुई है, 9.5 दे रखा है। ठीक है, तो आप चुपचाप बस इसका फॉर्मूला लगा दो, ए फोर इक्वल्स टू ए प्लस फोर माइनस वन डी। ए फोर आपको दिया हुआ है 9.5, ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 5, 5। फोर माइनस वन होता है 3 और डी की वैल्यू आपको नहीं पता। ये आपके पास देखो एक लीनियर इक्वेशन आ गई, यहाँ पे डी जो है अननोन है, तो ये 9.5, ठीक है 9.5 को 9.5 भी लिख सकते हैं। 9.5 माइनस 5 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई डी, 9.5 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4.5। ठीक है, 4.5 इक्वल टू 3d। अब ये बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे Dividing both side by 3. We will divide both sides by 3. तो ये 3 जब इसे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1.5। तो डी की वैल्यू क्या आई हमारी, कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1.5 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 1.5 आएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये देखिए डी की वैल्यू आ गई 1.5। तो देखिए सेकंड टर्म निकालेंगे हम कैसे, सेकेंड टर्म क्या निकालेंगे, देखिए 5 में 1.5 ऐड कर देंगे, क्या आएगा 6.5। 6.5 आ जाएगा, ठीक है 6.5 में। अब देखिए थर्ड टर्म निकालेंगे तो 6.5 में भी हम एक डी ऐड कर देंगे, 1.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल देंगे सर। हाँ बोलो सर, अगर एपी एपी में जो बाकी की टर्म्स एक दी हुई वो अगर फ्रैक्शंस में होगी और मिसिंग टर्म्स अगर हम डेसिमल्स में लिखे तो चलेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं चलेगा। अरे मतलब 6.5 होता है, ठीक है तो यही कह रहा ना, 6.5 लिख दिया मैंने, 6.5 और 6 1/2 एक ही चीज़ होती है। ठीक है, क्लास सिक्स के बच्चे नहीं हो, बड़ी क्लास में आ गए कि डेसिमल अलग चीज़ होती है, फ्रैक्शन अलग चीज़ होती है, दोनों सेम ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो बीच में देखिए पूरा का पूरा खाली है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो ये कैसे करेंगे? तो टर्म्स गिन लो भाई, कितनी टर्म्स हैं इसमें, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी हुई है, -4। ए सिक्स क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है nth टर्म यानी n जो है 6 दे रखी है, बस चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 6 - 1d। ए की वैल्यू, ए सिक्स क्या है, 6 है, ए की वैल्यू -4 है, 6 - 1 5 होता है, डी की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन आ गई, इन वन वेरिएबल डी अननोन है, तो ये 6 + 4 हो जाएगा इक्वल टू 5d। डी की वैल्यू क्या आएगी, 2। डी की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई +2, यानी -4 में आपको +2 करना है। आप भी देखो डी की वैल्यू आ गई +2। अच्छा, तो ए की वैल्यू -4 है, डी की वैल्यू +2, डी की वैल्यू +2 है, ए की वैल्यू -4 है, तो यानी ए टू क्या आ जाएगा, -4 + 2, क्या आंसर आएगा, -2 हो जाएगा। फिर ये ए थ्री जो होगा -2 + d हो जाएगा, ये -2 + 2 क्या है, 0। 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में और 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए ऐसे ही होगा, ये आप लोग खुद करके देखिए, यहाँ पे ए नहीं दिया होगा, ए टू दे रखा है और ए, ठीक है 3 4 5 6, ए 6 दे रखा है, इसको आप कर सकते हो यहाँ पे, आपको वो दो इक्वेशन मिलेगी। ये करा के दिखाऊं, फिफ्थ वाला है खुद कर सकते हो, बताइए
लेंगे सर। ए टू की वैल्यू देखो ये आती है ए प्लस डी, यानी ए टू अगर 38 है तो ए देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों अननोन है, ए प्लस डी की वैल्यू 38 आ गई। आदित्य गराड बहुत लेट आ रहे, ठीक है तो ए की वैल्यू देखिए ए प्लस डी की वैल्यू, ए ना ही ए की वैल्यू पता है हमें ना ही डी की वैल्यू पता है, ठीक है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस पे आते हैं देखिए ए सिक्स पे, ए सिक्स की वैल्यू देखी जाएगी ए प्लस सिक्स माइनस वन डी, डी हमें नहीं पता क्या हुआ, ठीक है डी हमें बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है। ये देखिए ए सिक्स की वैल्यू माइनस 22 है, ए हमें नहीं पता, ठीक है इसको ये हो जाएगा 5D, ठीक है। अब इस 5D में से बच्चों मैं एक डी बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 4D बन जाएगा। ये स्टेप समझ में आया, क्या किया मैंने इस स्टेप से स्टेप पे कैसे आया? यस सर। उसमें से एक डी बाहर निकाल लेते, ए प्लस डी की वैल्यू आपको क्या मिली है? 38 मिली है, तो ये 38 पुट कर दो चुपचाप ना। तो आप ये देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, वन वेरिएबल वाली आप सॉल्व कर सकते हो, तो क्या आएगा यहाँ पे डी, क्या आएगी डी बताइए क्या आएगा? क्या आएगी डी की वैल्यू? माइनस फिफ्टीन आ जाएगी, ठीक है ये माइनस 15 आ जाएगी, यानी हमने सब में से 15 घटाया है। तो ये देखिए 38 आया है तो डी की वैल्यू हमें मिल गई -15। ये ए -15 इक्वल्स टू 38, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इक्वेशन सॉल्व करो, ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 53, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म बताओ क्या आएगी? ट्वेंटी थ्री में से नेक्स्ट टर्म 15 फिर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? एट माइनस 15 फिर क्या होगा? माइनस सेवन। तो ये देखिए ऐसे होता है, इसको खुद प्रैक्टिस करके देखना, आपको बताया था खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 73, कह रहा देखिए आपको ए पी दे रखी है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ये ए एन, एन नहीं बता रखा कि कौन सा टर्म है, बस उसकी वैल्यू दे रही है उस टर्म की, तो एन पता लगाना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 3, डिफरेंस आप पता लगा सकते हो ए टू माइनस ए वन करके, ए टू माइनस ए वन ए माइनस थ्री एट माइनस थ्री क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी? फाइव आ जाएगी प्लस 5। ए की वैल्यू आपको दी हुई है और ए एन दे रखा है, ए एन आपको दिया हुआ 78, एन आपको नहीं दे रखा है। तो देखिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए हमेशा, मैंने आपको बताया, तो चुपचाप बस इसको इस फॉर्म में रख दो सारी वैल्यूज को, एन हमें नहीं पता तो बस ये 78 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एन माइनस 1 एन हमें नहीं पता क्या होता है और ये हो जाएगा डी 5। ठीक है तो 78 माइनस 5 कितना होता है, 78 माइनस 3 हो जाएगा, ये देखिए 3 लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो माइनस 3 हो जाता है, एन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5, तो 78 माइनस 3 कितना होगा? 75 n-1 = 5। अब देखिए यहाँ से एक शॉर्टकट तरीका होता है, आप में से कई बच्चे क्या करते हैं 5n-5 करते हैं, फिर 75 करोगे, फिर इसको 80 बनाओगे, फिर ये 5n होगा, फिर निकालो। इससे करने से अच्छा है क्या करो, यहाँ पर दोनों साइड्स को आप 5 से डिवाइड कर दो चुपचाप, ये देखिए 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, ये देखिए 15 आ जाएगा, बस ये हो जाएगा यहाँ से सिंपल। एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू 16 आएगी, यानी ये जो है 16th टर्म है, 16वीं टर्म है, 16th टर्म है, ठीक है। तो ये अलग मेथड करना बच्चों, जैसे ही आपको ऐसे मिल जाए ना यहाँ पे चुपचाप इसको डिवाइड कर देना, ठीक है जो भी यहाँ पे वैल्यू है, उससे आपका सवाल थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको यहाँ पे डी से बड़ी वैल्यू दे दे या फिर फ्रैक्शन में दे दे तो आप फिर कन्फ्यूज होने लगते हो, तो उससे बचने के लिए होता है।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा है आपको। यहाँ पे भी वही सवाल है, सेम पिछले वाला सवाल है, वो मैं सेकंड वाला कराता हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद करके देखना। यहाँ पे ए वन दे रखा है, ये ए टू दे रखा है, ए थ्री है और ये ए एन है। हमें एन नहीं बता रहा, एन निकालने के लिए बोल रहा है कि कितनी टर्म्स होंगे इसमें। ये ए है, ए वन है, ए के बराबर होता है, ये 18 दिया हुआ है। डी कैसे निकालेंगे बताओ, डी कैसे निकालोगे? ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन करेंगे। ए टू क्या है? ए टू क्या है? 15 and half माइनस ए वन क्या होगा? 18 ठीक है, 15 and half माइनस 18 कितना होगा? -2 and half देखिए 15 माइनस 18 होता है -3, मगर प्लस का यहाँ पे हाफ है तो ये -2 and half हो जाएगा। ठीक है, घट रही है ये, ठीक कम होती जा रही है, ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, तो आपको देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तीन चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। देखिए ए वन पता है, सॉरी बता दिया, ए वन पता है, डी पता लग गया आपको, और ये तीसरी टर्म भी लास्ट टर्म है, ये पता है आपको। बस चुपचाप इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, -47 ए हो जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 and half को 2.5 लिख दिया, एन माइनस वन सॉरी ए नहीं दिया हुआ, ए जो है 18 है, एन माइनस वन -2.5 लिख दूंगा मैं इसको। जल्दी से बताइए 47 माइनस 18 क्या होगा? बताओ 47 माइनस माइनस 47 माइनस 18 क्या होगा? -65 श्योर? यस सर। गलत लग रहा है मेरे को, -65 ठीक है ये रेहान, श्योर? यस सर -65 ये -65 आएगा। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2.5 ठीक है, चुपचाप क्या करो -2.5 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो। तो ये देखिए -2.5 से 2 -2.5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, दोनों कट के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा आसान हो गया, तो 65 अपॉन 2.5 को मैं 650 अपॉन 25 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एन माइनस वन बचेगा। तो देखिए चुपचाप इसकी टेबल पढ़ लो बस, 25 टू सा कितना होता है? 25 टू ज़ा 50 15 बचेगा, 25 सिक्स ज़ा ठीक है 27 है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए 650 को हम लिख सकते हैं 625 प्लस 25 राइट, अगर आप इसको 25 से डिवाइड कर रहे हो, यानी 25 ज़ा होता है 625, 25 वन ज़ा 25, 25 प्लस वन 26। इसको आप ऐसे दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, इसको तोड़ गए, 650 को तोड़ लिया हमने 625 और 25, तो ये देखिए वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 27 एन की वैल्यू 27 आएगी। अगर आपने ब्रैकेट खोल के यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन में गलती कर बैठते हो। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन में उल्टी सीधी गलती करोगे, सवाल पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला स्टेप अपनाओ, सवाल थोड़ा जल्दी होगा और सेफली होगा। ये बोल रहा है चेक करना है कि 150 जो है इसकी टर्म है कि नहीं है, -150 जो है इस एपी की टर्म है कि नहीं है ये बताना है। चलो मान लेते हैं कि ये इसकी टर्म है, ठीक है मान लेते हैं, चलो मान लिया हमने, लेट ए एन इक्वल्स टू -150 ठीक है, ये हो गया। ए की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों? ए की वैल्यू क्या है? 11। डी की वैल्यू क्या आएगी? ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन क्या आएगा? -3। एट माइनस 11 -3 आ जाएगा। ओके, बस अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर अब देखिए फॉर्मूला लगा के हमें क्या पता लगेगा,
अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो ये होगी टर्म, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर आती है तब नहीं होगी, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ए एन देखिए दिया हुआ है -150, ए की वैल्यू दी हुई है 11, 11, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू दी हुई है -3, ठीक है। तो ये देखिए 11 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -11 कितना होगा? -161 ठीक है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लस, सो ये हो गया n माइनस वन इक्वल टू 161 अपॉन 3। तो भाई 161 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 57 आएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 57.3 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 53.6 ये देखो भाई, 3 5s are 15, 3 3s are 9, रिमाइंडर कितना बचा? क्या रिमाइंडर आया है बच्चों? 2। तो इसका आंसर आएगा 53 2 upon 3, या फिर आप लिख सकते हो 53.666 and so on। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 56.7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 53.6 bar, ठीक है, कई तरीके से लिख सकते हैं इसको, इसमें जो आपको पसंद आए, ठीक है, स्वाद अनुसार आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो n माइनस वन की वैल्यू देखिए डेसिमल में आ गई है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 54.566। अच्छा, तो 150 जो -150 है इसकी टर्म होगा, है ना? नो सर। क्यों नहीं होगा भाई? सर नेचुरल नंबर नहीं हो, हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ना? गिनती जब हम किसी की भी करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर में तो करते हैं गिनती अगर हम किसी को भी गिनाते हैं तो, ठीक है। तो n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, आप लिख दोगे ये एपी की टर्म नहीं हो सकती, ठीक है? Yes. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? अगर मैं आपके सामने दो ऐसे दे दूँ इक्वेशंस तो आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ? Yes, sir. कैसे निकालते थे इसकी बताइए, तीन मेथड बताए थे मैंने आपको, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जल्दी से याद करके बताओ, फटाफट बताओ क्या वैल्यू आएगी एक्स और वाई की। एक्स इक्वल्स टू 18, x equals to 18, very good. x 9. x is equal to 9. x equal to 9, very good. y 1. y 1. हमने क्या किया? दोनों equations को क्या किया? करें कैसे को solve करेंगे? जल्दी बताओ. Elimination. Elimination किया आपने. x plus y equals to 10. x minus y equals to 8. यहाँ पे देखिए. Plus y का minus y जो है cancel out कर देगा. और ये सारे प्लस में तो हैं, तो x प्लस x हो जाएगा 2x और 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, ये लीनियर इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 9। आपने x की वैल्यू जो 9 आई है किसी में भी पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर सकते हो या तो इसमें कर सकते हो, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 में मैं x में वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 8 आया। तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी, 9 माइनस 8 इक्वल टू y, क्या जाएगा 1।
y की वैल्यू 1। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, बिल्कुल वेरी गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द 31st टर्म, आपको ए 31st पता लगाने के लिए बोल रहा है। अगर 11th टर्म जो है 38 है और 16th टर्म है 73। ठीक है, चलो इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, अभी इन दोनों को भूल जाते हैं, ए 31 डायरेक्ट निकालते हैं। ए 31 हम निकालने जा रहे हैं, ये आ गया ए, एन की वैल्यू 31 है, ये आ गया डी, तो ए 31 ए हो गया 30 डी। तो यहाँ पे कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं आपको, कितनी चीज़ें हमें नहीं पता अभी, तीन चीज़ें हमें पता ही नहीं है, जबकि हमें इसको सॉल्व करने तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता। अगर हमें दो चीज़ें भी पता लग जाएँ, ए और डी, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि ये ए 31 क्या हुआ, और हमें ए और डी का कोई भी पता नहीं है क्या सके, क्या चीज़ है इसकी। ठीक है, तो इसको फिलहाल साइड में कर देते हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में। चलो ये पता है हमें, ए 11 इक्वल्स टू 38 दिया हुआ, तो ए 11 का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ए 11 जो होता है ए प्लस, ठीक है, 11 माइनस 1 डी। ए 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 38। ए हमें नहीं पता, 11 माइनस 1 कितना होता है 10 डी। ये देखिए आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए और डी दोनों है। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, ए 16 जो होता है वो ए प्लस 16 माइनस 1 डी। ठीक है, ए 16 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 73। ए हमें नहीं पता, 16 माइनस 1 कितना होता है 15 डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आ गई, देख रहे हो दो लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास। तो अब ये देखो, सबसे पहले तो देखिए चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको थोड़ी दिमाग लगाना है, ऐसे आंख बंद करके पेपर सॉल्व मत करना है इसका भी। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन आ गई, अब देख लो पहले कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट आप शायद भूल गए होंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें कैसे करेंगे एलिमिनेशन बताओ सर, साइन चेंज करेंगे, किसका साइन चेंज करेंगे, नीचे की टर्म्स का। ठीक है, ये सब चीजें प्लस में दी हुई है, मैं सबका जो है साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सबको साइन चेंज करने का मतलब क्या, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस ए है ऊपर और ये माइनस ए है नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर दिया हुआ है 10 डी, नीचे दिया हुआ है -15 डी, तो क्या हो जाएगा, ये -5 डी, माइनस का 5 डी हो जाएगा। ऊपर 38 दिया हुआ है प्लस का, नीचे -73 दिया हुआ है, तो बताओ क्या आएगा, -35 आएगा। वेरी गुड, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, What we will do? We will divide, ठीक है, both sides by -5, so minus minus cancel, so what will be the answer? 7, plus 7, ठीक है, you have to write plus 7, so D is plus 7, अब देखिए जो D की value है, ये आप किसी भी equation रख दीजिए, या तो इसमें रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए, आपके ऊपर है, तो मैं इस वाली, पहली वाली में रखना इसको पसंद करूँगा। पहली वाली जो इक्वेशन है मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो D की वैल्यू आई है 7 मैंने पुट कर दिया, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 आएगी, वेरी गुड, सही है भाई, सही आंसर आएगा -32 आएगा। ध्यान दीजिए 38 प्लस का है, -70 है, 70 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मगर माइनस का साइन है,
यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, -32। तो देखिए ए और डी दोनों हमें पता लग गए, ए और डी। अब बस हमें A31 निकालना था, इसमें हम निकाल लेंगे, ये सब मिटाओ छप्पो। ए की वैल्यू आई -32, डी की वैल्यू कितनी आई थी? 7। बस -32, ये +210, +210 में से -32 माइनस करोगे तो A31 पता लग जाएगा, क्या आएगा बताओ? बताइए, वन हंड्रेड एटी एट। वेरीफाई, प्लस का कि माइनस का, क्या आएगा बताओ? प्लस का आएगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ये आ जाएगा 2, तो 220 आ रहा है इन दोनों को ऐड करने पे। 178 आएगा। अच्छा पक्का प्लस का 178 आएगा, ठीक है, तो 178 आएगा। तो एक बार इसको वेरीफाई करके देख लिया करो बच्चों, ठीक है, कई बार आप सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ी कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है जल्दबाजी में हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से बच के रखना है। तो जब भी याद रखो ऐसे सवाल आता है जिसमें आपको दो टर्म दे रखी हो, 11th टर्म दे रखी हो, 16th टर्म दे रखी हो, ऐसे करके, तो फिर आप याद कर लेना उसको, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? वहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो आधे सवाल देखो इसमें ऐसे ही आएंगे पेपर में आपके, 3-3 नंबर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए AP का 50 टर्म्स, थर्ड टर्म आपको दे रखी है देखिए सिमिलरली यहाँ पे, और ये लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म जो है ये, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? लास्ट टर्म, पूरे टर्म 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी होती है? 50 टर्म की होगी ना, 50th टर्म होगी। ये देखिए सेम सवाल है जो पिछला सवाल था, ठीक है, इसमें आप यहाँ से आपको पहली लीनियर इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से दूसरी मिलेगी, दोनों को सॉल्व करोगे आपको ए और डी मिलेगा, ए और डी पता लगते ही आप 29th टर्म पता लगा सकते हो, 29th टर्म आएगा ए प्लस 29 माइनस 1 बी। समझ में आई बात? तो ये आप सॉल्व करके खुद देखना होमवर्क, ठीक है, सेम सवाल है जैसे पिछला वाला सवाल था वैसे ही होगा। समझ में आया लास्ट टर्म A50 क्यों होगी, पता है कि नहीं पता है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ लास्ट टर्म, ठीक है, देखिए पूरी AP में सिर्फ 50 टर्म ही है, तो लास्ट वाली टर्म 50 A50 होगी ना, ऑब्वियस ही बात है, एक करके देखिएगा इसको। चलिए, जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई अपने नाम बताओ मेरे को। माधुरी बेट, इतना लेट कैसे आया आप? 5-10 मिनट लेट आ रहे हो, टाइम पे आएगा जी? सर वो कुछ काम था। ठीक है, और कौन? सर युविष्का। युविष्का, नेक्स्ट सुरेश कुलाल। सुरेश कुलाल बेटा, जब शुरू हुई थी क्लास तब क्यों नहीं बोला? सुरेश कहाँ गए थे? कहाँ गए थे सुरेश? सर 5 मिनट लेट हुआ था। अच्छा, ठीक है। आदेश सर, आदेश, ठीक है, आदेश। आशिका डिंपल बेटा, ये सुरेश सर को अटेंडेंस भेज देना। आशिका सर, ओम भारते, बेटा ओम भारते अटेंडेंस आपको नहीं दूंगा मैं, आप बीच में गायब हो गए थे, ठीक है, कैंसिल कर रहा हूँ मैं आपके। चार्जिंग क्या हो गया सर? मेरी चार्जिंग हो गई थी इसलिए दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहा था। अरे कितनी देर बात करा है आपने कनेक्ट, ऐसे मत किया करो। नेक्स्ट कौन है? सर कार्तिक। सर गौरी। गौरी, नेक्स्ट कार्तिक। कौन है नेक्स्ट? सर लोबस। लोबस हो चुका है, हाँ, आगे और कौन रह गया? सर कार्तिक। कौन बोल रहा है यार तुम धीरे धीरे, कौन है? सर कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, हाँ सर, ठीक है, और कौन है? सर लिफ्ट हो जाए क्या? हाँ लीव करो बच्चों, जाओ, जिनके अटेंडेंस हो गई वो जाओ। जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है वो बताओ अपना नाम।
है क्या? वेदांत, वेदांत है क्या? सूरज, शुभम, शुभम, प्रथमेश दोनों, प्रथमेश वावरे और पालवे, ओंकार एबी, करण, लक्ष्मीकांत, कृष्णा, करण, विवेक, आशीष, अंकित, अमर, अद्वाई, अभी तो ये अनुष्का, अनुष्का ये क्या, करिश्मा, मुद्दा, नीलम, नीलम गायकवाड, स्नेहल, स्नेहल, अच्छा लगी है इतने सलाह आपको लगी है इतने सुनकर लगी है अंपित आपको भी लगा दिया मैंने सर मेरी लगी है क्या तलाव बटन मेरी लगी है प्रेजेंटी ताला पटान तेरी क्लास हो गई प्रेजेंटी